शेयर बाजारों की सुस्त शुरुआत, एसजीएफ निफ्टी में मामूली सा दबाव, अमेरिकी बाजारों में लगातार तेजी का सिलसिला जारी, नैसडैक लगातार पांचवें दिन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद। साइरस मिस्त्री को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिर बहाल करने से एनसीएलटी के फैसले पर टाटा सन्स का आया बयान, कहा कानूनी विकल्पों पर कर रहे हैं विचार, वहीं मिस्त्री ने इसे सिद्धांतों की जीत बताया। इंश्योरेंस कंपनियों में आज दिखेगी तेजी, नवंबर में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम में 13% का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा BS4 गाड़ियों का मुद्दा, फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन ने बिक्री के लिए मांगी और मोहलत, अनसोल्ड इन्वेंट्री ज्यादा होने की बात कही, अभी 31 मार्च है डेडलाइन। CNBC आवाज की खबर पर मोहर, GST काउंसिल ने लॉटरी पर लगाया 28% टैक्स, इंडस्ट्रियल पार्क पर लॉन्ग टर्म लैंड लीज GST पर बड़ी राहत, सरकार के 20% हिस्सेदारी वाले प्रोजेक्ट्स को भी नहीं देना होगा GST। और बजट के लिए इंडस्ट्री के दिग्गजों से आज मिलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ट्रेड यूनियन से भी आगामी बजट पर होगी चर्चा। और आज इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर रहेगी पूरे भारत की नजर, मुंबई में टाटा दिखाएगा नेक्सॉन ईवी की झलक, वहीं MG की इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करेंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी।